मैंने लोकसभा में बताया था कि अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं देगी तो इसको दिक्कत होगी जी। उस इसी तरह से प्रधानमंत्री लोकसभा में हुआ था, इस तरह से विधानसभा में हुआ। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला जी बीजेपी ने, लेकिन किसी दूसरी कास्ट को बोले तो नहीं ना, साथ लेके चले ना जी। दूसरी कास्ट को ये हुआ ना कि ओबीसी आएंगे तो हम सिक्योर हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट आई है, शहजाद जी के ऊपर स्टेटमेंट आई है, तो उससे दूसरी जो दूसरी कास्ट अपने आप को अनसिक्योर महसूस करने लगी कि एक मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम हो जाए। देखिए डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, डिप्टी सीएम जो कैबिनेट में जितने भी होते हैं मिनिस्टर वो सारे डिप्टी सीएम ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और उसमें एक बड़ा उलटफेर हुआ। जो एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पूरा का पूरा जनसमूह है या हरियाणा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है। लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, सारे एग्जिट पोल और जो एक बयार नजर आ रही थी लोगों की तरफ एक बदलाव की, उस सब में एक बड़ा बदलाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई। आज हम बात करते हैं, मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जो अर्थप्रकाश टीवी के चीफ रिपोर्टर हैं, इसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी एग्जिट पोल की बात की या जो हरियाणा की राजनीति की बात करें उस पे जितनी भी हमारी वीडियोज हुई उनके अब तक जो अनुभव है वो बड़े स्टीक रहे हैं। एग्जिट पोल की बात करूं जहां एक और सभी चैनल कांग्रेस को जीत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी बार फिर से सरकार बनाएगी। इसीलिए आज मैंने उनको स्टूडियो में इनवाइट किया है और उनसे बात करते हैं कि कल जो विधायक दल की मीटिंग होने वाली है या 17 तारीख को जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होगा उसमें किस तरह के समीकरण बन सकते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार रजिंदर जी। नमस्कार रजिंदर जी, आपने प्रश्न किया है कि जो सब कह रहे थे जी कि कांग्रेस सरकार आएगी जी, तो जो मैंने मेरा अनुभव था, हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है, उसका मैं कारण बताऊंगा। मैंने पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था कांग्रेस के इतिहास में, मैंने बताया था, मैंने लोकसभा में बताया था कि अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं देगी तो इसको दिक्कत होगी जी। उस इसी तरह से प्रधानमंत्री लोकसभा में हुआ था, इस तरह से विधानसभा में हुआ, कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो अनाउंस ना करना कमी रही। अच्छा, और मैंने ये भी कहा था जो ऑन द रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के नेता की अति महत्वाकांक्षा संगठन पर भारी होगी, अगर अति महत्वाकांक्षाएं त्यागेंगे तब ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन उसी तरह से हुआ, इसके अंदर इसी तरह से एकदम उल्टफेर हो गया। वही बात जो मैंने उस समय कही थी कि अगर हम दूर से देखें तो कांग्रेस एक दिखती है, लेकिन अगर जो जमीन पर जाएंगे तो अलग अलग बटी हुई है। इसी कारण से जो एग्जिट पोल हुए उन्होंने देख लिया, कह दिया 55 सीटें आएंगी, 70 सीटें आएंगी, लेकिन जो धरातल पर गए बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अगर एकदम एग्जिट पोल उल्ट हुआ है, किसी को अचंभित नहीं होना चाहिए। नहीं थी तो अचंभे वाली बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लोगों की जो एक लहर है वो बनती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी के हक में, तो इसलिए अचंभे वाली बात तो कहीं ना कहीं लग रही थी। नहीं, देखिए अगर आप देखो, मैं फिर आप वही पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप इनका देखें इलेक्शन टाइम में लीडर मुख्यमंत्री का ना होना, दूसरी स्टेटमेंट आना, इनके दो एमएलए ने स्टेटमेंट दी कि नौकरियों में 50 गांव में 50 मंदिर दो, एक नौकरी मुफ्त, दूसरे एक एमएलए थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर करेंगे। नीरज जी एमएलए थे जी, तो उन्होंने कहा था कि नौकरियां 2 लाख भरेंगे, 20 मेरे कोटे की नौकरी होगी, वहां पर जो कार्यकर्ता 50 वोटर लेकर आएगा गांव में उसको एक नौकरी दूंगा मैं जी। अच्छा, इस तरह की स्टेटमेंट आई है। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरी नहीं होगा? दूसरी बात और सुनिए, इसके बाद जो देखिए सबसे ड्रॉबैक क्या रहा, एक पर्टिकुलर कौम को आगे किया गया। जब हम किसी कौम को आगे कर देना
तो दो दूसरी ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ने नहीं, नहीं। ओबीसी का कार्ड खेला, ओबीसी के लिए देखिए स्पेशली अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एकदम से मुख्यमंत्री का बदल देना और ओबीसी जो है वोटर को साधने के लिए कोशिश करना, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जातिगत, देखिए अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जातीय जो समीकरण थे उनको साधने की कोशिश की थी। जातीय समीकरण साधना अलग बात है, लेकिन जातीय समीकरण साधने के साथ एक कट्टरिज्म होना जी वो हॉरिबल है। बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला जी बीजेपी ने, लेकिन किसी दूसरी कास्ट को बोले तो नहीं ना, साथ लेके चले ना जी, दूसरी कास्ट को ये हुआ ना कि अगर ओबीसी आएंगे तो हम सिक्योर हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट आई है शहजाद जी के ऊपर स्टेटमेंट आई है तो उससे दूसरी जो दूसरी कास्ट अपने आप को अनसिक्योर महसूस करने लगी, वो वोट बैंक इधर डाइवर्ट हो गया कहीं ना कहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि दलित वोटर जो कुमारी शैलजा के ऊपर टिप्पणी हुई उससे दलित वोटर जो है कहीं ना कहीं अनसिक्योर हो गया, गया। हाँ, वो इधर छिटक गया। अच्छा दूसरी बात, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कांग्रेस का, शैलजा जी प्रचार में नहीं गए, इतने देर हो गए 10-12 दिन नहीं गए थे, वो इन्होंने टाइम तो डॉक्टर साहब जो पिछली बातें उनको छोड़ के हम आगे की बात करते हैं, कल की अगर बात करें तो आने वाले कल में विधायक दल की मीटिंग होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के लिए, है ना, तो क्या हो सकता है उसमें, क्या उसमें बगावत हो सकती है क्या, अगर अगर एक नाम पे सहमति नहीं बनती है तो क्या जो है दूसरे दल के समर्थक जो है वो उठ के जा सकते हैं? आप ये बताइए क्या पूछना चाहते हो पहले? मैं तो कल आपने सीधे तू द पैंट बात पूछे, क्या मैं तो कल की विधायक दल की जो मीटिंग होने वाली है वो किस तरह की हो सकती है? देखिए बीजेपी विधायक दल की मीटिंग कल को, एक हरियाणा में अगर कुछ बहुत बड़ा हो गया ना लोगों को तैयार रहना चाहिए। अच्छा कुछ बड़ा हो सकता है? हो सकता है के क्यास है ये एनालाइज कर रहे हैं कि हो सकता है, तो एक बार दर्शकों को बता दूं कि हमारे डॉक्टर साहब जो भी बात कर रहे हैं ये एक अंदाजे की बात कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं, क्यास लगाए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खुशकिस्मत या बदकिस्मत समझो होता वैसे ही है फिर, लेकिन है ये एनालाइज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप धरातल पे काम करते हैं इसलिए ऐसा होता है। जी जी अगर आप देखें स्मूथली जो बीजेपी दिखा रही है कि नायब जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जी, पोस्टर भी लग गए जी, अगर इतना स्मूथ है तो अमित शाह जी पर्यवेक्षक बनकर क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोचने वाली बात है। दूसरी बात, चीजें 8 तारीख को हमारे परिणाम आते हैं और आज बात करें तो 15-16 तारीख हो गई है और अभी तक चीजें फाइनल शेप नहीं ले रही हैं और शपद ग्रहण की जो तिथि है वो एक्सटेंड हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कुछ स्मूथ नहीं है, कुछ बिल्कुल मतलब एकदम से पॉजिटिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं देखिए मैं बताता हूँ, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। जो हरियाणा की पिछली विधायक दल मीटिंग का इतिहास है जी, क्योंकि पिछली बार जो विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें जो कुछ हुआ उससे बीजेपी को काफी सेटबैक लगा था जी। अब वो हाईकमान ये नहीं चाहते कि पिछली बार की ऐसा हो, तो सबसे उपयुक्त है अमित शाह, अमित शाह जी आ रहे हैं विधायक दल की मीटिंग करने के लिए और उनके साथ जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो कौन है? यादव जी। अब यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अब ऐसे जी, 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 समीकरण बदल सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में नो डाउट कि नायब जी आगे जा रहे हैं जी, उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा गया जी। अब कल में आपने देखा कि राव इंद्रजीत जी ने कहा, मैं वही आ रहा था, राव इंद्रजीत अनिल विज की स्टेटमेंट, जो कि अनिल विज की स्टेटमेंट तो एक कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है, उन्होंने उस तरीके से कहा बिल्कुल, होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुना गया है कि जो अनिल विज है वो उनके साथ 15-16 विधायक जो है इसके अलावा अगर राव इंद्रजीत की बात करते हैं, राव इंद्रजीत जो है वो कहीं ना कहीं जो अपनी पावर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अहिरवाल बेल्ट के जो बहुत सारे नेता हैं उनके घर पे एकत्रित कई बार हो चुके हैं, कई बार उनकी मीटिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि जो राव इंद्रजीत है वो कहीं ना कहीं कुछ ठोस कदम उठाने के मूड में लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब राव इंद्रजीत जी एक सीनियर लीडर हैं जी, और वो ऐसे इंसान हैं खुद भी सीट जीतते हैं अपने सहयोगियों को भी सीट लेकर, बिल्कुल बिल्कुल अहिर बल जो बेल्ट है मुख्यमंत्री के अंदर ये दक्षिणी हरियाणा पे बड़ा उनका एक तरह से मुख्यमंत्री जो दबदबा राजा बनता है ना, एमएलए बनना अलग बात है
राजा बनने के लिए ये गुण चाहिए, खुद भी जीते और को जिताए, ये उनमें गुण है जी, और उन्होंने गुण को दोषी साबित किया है, साबित किया। अब वो कहने की मैं क्यों ना मुख्यमंत्री बनूं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जो विश साहब की बात की है, विश साहब ने अपनी इच्छा जारी जाहिर की है कि मैं सीनियर हूं, अगर पार्टी हाई कमान मुझे कहे मेरे बारे में सोचेगी तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी थोप नहीं रहा कि मुझे ही बनाया जाए। एक कहना कि मुझे ही बनाया जाए, एक इच्छा जारी करना, इनमें दोनों में बहुत फर्क होता है। अब ऐसा है कि राव इंद्रजीत जी ने आपने कहा, आप ये चीज देखना, अमित शाह जी के आने का मतलब है कि कल जो होगा, एक तो विधायक दल का नेता होगा, दूसरा हो सकता है विधानसभा स्पीकर, दो के नाम होंगे। और अगर कल की मीटिंग में यह कहा गया कि विधायक ही डिसाइड करेंगे, ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, देखो दो दो रास्ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता होता है कि हाईकमान से चिट पे लिखाया जाए कि इस इंसान को विधायक दल का नेता बनाया जाता है, उस कंडीशन में एमपी भी बन सकते हैं या एमएलए। अगर कल की मीटिंग में यह हल्ला मच गया कि विधायक दल का ही होना चाहिए, एमएलए चुनना चाहिए, तो उसमें इंद्रजीत जी नहीं आएंगे, फिर कोई एमएलए नहीं ना वो, बिल्कुल ठीक है, उसमें नायब जी हैं, जी नायब है, और साथ में अनिल विज। अब अमित शाह इसलिए आ रहा है यहां पर कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है, पिछली बार वाली परिस्थिति को रोका जा सके, क्योंकि अमित शाह जी के आगे अगर ऐसी बात होगी तो अनिल विज उठकर नहीं जाएंगे मीटिंग से, कम से कम उनको मानना पड़ेगा। इस तरीके की बातें होगी। अब आगे 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 का पूछना चाहता हूं, कौन हो सकता है नया मुख्यमंत्री जी, कौन हो सकता है नया मुख्यमंत्री? देखो इसमें क्योंकि 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और किसके सर ताज सज सकता है? देखिए देखो हम एनालाइज करते हैं जी, तो नो डाउट कि आज की डेट में जो नायब सैनी को इन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है जी जी। अब इसमें ऐसे है कि अगर विधायक दल की मीटिंग में विधायकों ने, जहां वहां पर यह बात चले कि पार्टी के सबसे सीनियर बंदा बने मुख्यमंत्री, अगर ज्यादा क्लेश पड़ जाता ना, अगर इंद्रजीत जी भी आगे बात हुई हो गया, मैं बनूंगा ना जी, मैं बनूंगा, ऐसे होगा नहीं वैसे, तो एंड में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कहते हैं चलो अब विधायक फाइनल करो भी किसने बना, एंड में अगर बात चली सबसे सीनियर कौन होगा तो सीनियोरिटी में अनिल विज की भी लाटरी लग सकती है जी, लेकिन लाटरी लग सकती है लेकिन लगेगी नहीं, लग सकती है क्या? ऐसी पिस्टियों में होता है कि मैं नहीं बना, इसको नहीं बनने देना, जो तीसरा बना तू आके बन जा। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा और सुनिए 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 डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में एकदम से आया है। अभी बात करें तो पिछले दिनों की, मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करता हूँ, राजेंद्र जीत की बात करूंगा, तो उनके निवास स्थान पे बहुत सारे एमएलए पहुंचे जिन्होंने उनको कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का दावा, मैं अगर पिछले चुनावों की बात करता हूँ, मेरी पिछले दिनों डॉक्टर सतीश मेहरा जी से भी डिस्कशन होती है, तो मैंने ये बातें की कि अगर हम बात करें राव इंद्रजीत की, राव इंद्रजीत के दबाव में कहीं ना कहीं हाईकमान, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे नजर आया चुनाव से पहले, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को टिकट मिलनी चाहिए, तो उसकी बेटी को अटेली से टिकट मिली, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने दबाव से आधा दर्जन से ज्यादा जो विधायक थे उनको टिकट दिलाई और वो उनको जीत भी दर्ज कराई, ठीक है, कहीं ना कहीं, और उनकी कंडीशंस पे, उनकी शर्तों पे कहीं ना कहीं हाईकमान जो है वो मुझे सहमत होता हुआ नजर आया, और पिछले दिनों से कहीं ना कहीं वो अपना बहुमत, अपनी ताकत, अपनी पावर दिखाने की कोशिश में राव इंद्रजीत मुझे नजर आए, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये बात चली। तो दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि सभी विधायकों को कहें कि आप अपनी सहमति से, तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो दो उम्मीदवार दावा कर रहे हैं, एक तरफ हम नायब सैनी की बात करें जिनके इस चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, और उसके साथ हम अंबाला कैंट से जो विधायक है हमारे अनिल विज की बात करते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा की बात की है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपने समीकरण जो है, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जो पावर है उसको बनाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उन्होंने अपने अपने कैंप नहीं बनाए होंगे? क्या उन्होंने अपने अपने जो साथी हैं विधायक उनको सोधने की कोशिश नहीं की होगी? किन के बारे में पूछना चाहते हो? मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। क्या ये नहीं चौथा उम्मीदवार और आएगा?
अभी चौथा भी आ रहा है बीच में, पहले हम तीन की बात करते हैं, चौथे के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो धरातल पे रहते हैं, विधायक दल की अभी पिछले दिनों की मीटिंग बड़ी होने वाली है कल को, डॉक्टर साहब बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हरियाणा के लोग अपनी पेटियां बांध लें, हाँ स्मूथली भी चल सकता है, इधर कोई भी हो सकता है, लेकिन तैयार रहें सब कुछ होने के लिए। डॉक्टर साहब जो है हरियाणा की राजनीति में बड़ी जबरदस्त पैठ रखते हैं, ये अंदर की बातें लेके आते हैं अक्सर। तो डॉक्टर साहब पहले हम तीनों की बात करें, क्या ऐसा हो सकता है कि राव इंद्रजीत जहां एक और अपना दावा ठोकने के साथ साथ अपनी पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दूसरी तरफ आने वाले समय पे एकदम से अनिल विज भी अपनी पावर दिखा सकते हैं? क्या नायब सैनी ने अपने साथ बाकी के जो 90 विधायकों की बात करें, मैं अगर दक्षिण हरियाणा को छोड़ देता हूं तो बाकी का जो हरियाणा रहेगा तो क्या उसमें से उन्होंने अपने साथ अपने समर्थकों को नहीं जोड़ा होगा? देखिए मैं बताता हूँ ये बात, राजनीति में अपनी शक्ति दिखाना कोई गलत बात नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। राव इंद्रजीत जी आपको बताता हूं, मैं से एक बार मिला उनसे जी, वो बहुत डिसेंट तरीके के इंसान जी, अगर आप भी मिलोगे ना आपको लगे एक राजा के अंदर गुण होता है कि उनमें डिसेंट है। और अब हाईकमान ये भी देख रही है कि 5 साल तक कि ऐसा प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया जाए जो स्मूथली चला सके। देखो मुख्यमंत्री बनाना आसान है लेकिन चलाना भी तो मुश्किल होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता को संभालना मुश्किल, मुख्यमंत्री का ताज ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी संभाल लेगा। जी जी, क्योंकि तभी शास्त्रों में भी कहा है राजा बनना, राजा किस्मत से बनता है, रणनीति दिमाग से चलती है। जी बिल्कुल, अब मेरी बात सुनिए। अब ये देखिए अगर राव इंद्रजीत जी आते उसे फायदे क्या है, देखो सारी चीजें देखनी पड़ती है, ये सब आज बीजेपी कर रही होगी बैठकर। राव इंद्रजीत के आने से आज तक दक्षिण से कोई बना नहीं, उनके फादर बने थे जी, उनके पिता हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ दिन 240 दिन के लिए बने। तो उसमें अगर कहता है एक बार यहाँ से हिसार से बन गए, सिरसा से बन गए, अंबाला से बन गए, अंबाला से बने तो ना 6 महीने के लिए बने थे जी जी बिल्कुल, करनाल से बन गए, तो एक बार इनको ही मौका देख लो, है तो वो भी हरियाणा में। बिल्कुल ठीक है। और तो, कहीं हाँ, कहीं तो, कहीं, हाँ, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के जीत में दक्षिणी हरियाणा का बहुत बड़ा रोल रहा है, रोल है अहीरवाल क्षेत्र का रोल है। जी जी जी, तो ये भी हो सकता है कि, पर उसमें दिक्कत ये आती है मुझे, जो मुझे लग रहा है राव इंद्रजीत जी के बनने से एक एमपी की सीट खाली होगी। बिल्कुल ठीक है, एमपी की सीट खाली होगी जो वहां पर है, कि उनके एक ही ड्रॉबैक है कि एमपी होना, अगर वो एमएलए होते फिर पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी थी। एक एमपी को बनाना थोड़ा सा हाई कौन हेजिटेशन करता है इस चीज में, लेकिन मैंने अपना एनालाइज किया ना। दूसरी बात ये ऐसे हो सकता है कि उनकी लड़की को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम हो जाए? देखिए डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, डिप्टी सीएम जो कैबिनेट में जितने भी होते हैं मिनिस्टर वो सारे डिप्टी सीएम ही होते हैं। अच्छा आप एक बात कर रहे थे चौथे चेहरे की, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को थोड़ा चौथे चेहरे के बारे में बता दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज को जानने की चौथा चेहरा कौन है, क्योंकि अभी तक जो मैं सियासी गलियारों की बात करता हूं तो ये तीन चेहरे जो है हरियाणा की राजनीति में ये मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि नायब सैनी की बात करूं तो हाईकमान ने उसको प्रोजेक्ट, ये चौथा चेहरा ही तो मेन कहानी है, चौथा चेहरा जो पिक्चर के पर्दा खोलेगा कौन सा चेहरा हो सकता तो है? वो मैं बताऊंगा कौन सा, और ऐसा हो सकता है और वो एक अंडर प्लानिंग हुआ काम नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है ये तो जो भी है रणनीति के तहत ही होता है, क्योंकि राजनीति में रणनीति जो है बहुत जरूरी है, रणनीति के बिना राजनीति, और बीजेपी की रणनीति कोई समझ सकता, ये वो बॉल है वो ना शेन वॉन आपको ऑफ स्टंप में बॉल दिखेगी टप्पा पाके एकदम लेग स्टंप निकाल के जाएगी, ये उम्मीदवार हो सकता है, वो उम्मीदवार हो सकता है मनोहर लाल खट्टर। अच्छा मनोहर लाल खट्टर, हाँ। अगर मनोहर लाल खट्टर हो सकता है तो देखिए कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ गई कि वो भी तो कहीं ना कहीं लोकसभा के सदस्य हैं इस समय। हाँ जी, दूसरी बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको हटाना कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना या उसको कम करना कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जो है उनका नाम हो सकता है? हो सकता है, सुनिए जी, मनोहर लाल खट्टर जी मोदी जी और अमित शाह के बहुत क्लोज हैं, कोई शक नहीं है इसमें। और आपको पता है मैंने जो टिकटों के बंटवारे की हमने की थी बैठ के एनालाइज किया था, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हरियाणा जीत कर मैं लेकर आऊंगा, आपने स्टेटमेंट देखी थी? लेकिन स्टेटमेंट लेकिन मेरी बात सुनिए, उसमें उसने कहा था कि 90 विधायक चुन लिए मेरी जिम्मेवारी है, भाग्य के धनी है,
लेकिन अच्छा आगे डॉक्टर साहब मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन क्या पूछना, मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपको। अगर बात करें हरियाणा के चुनाव की प्रचार की, मुख्यमंत्री इनकी मनोहरलाल खट्टर की बात करते हैं, तो हरियाणा में जितनी भी प्रचार हुआ उसमें मनोहरलाल खट्टर का कहीं भी नाम नहीं था। एंटी इनकमेसी थी उनके नाम की, बिल्कुल एंटी इनकमेसी थी ना कहीं ना। अगर बात प्रधानमंत्री आते हैं वो 3.5 महीने या 4 महीने के नायब सिंह सैनी के कार्यकाल की बात करते हैं, लेकिन 9.5 साल के कार्यकाल की बात ही नहीं कर रहे। मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कैसे मनोहरलाल खट्टर, कैसे तुम ये बता रहा हूँ ना। अब देखिए मनोहर लाल खट्टर जी की एंटी इनकमेसी थी किसान आंदोलन की भी, ये हाईकमान को ही पता था, ठीक है। आप ये बताइए मनोहर लाल खट्टर जी के बाद नायब सैनी क्यों बने मुख्यमंत्री, आप बताएं, आप बताओ। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो ये है कि जातीय समीकरणों को कोशिश की ओबीसी। देखिए सबसे पहले तो एंटी इनकमेसी, देखिए क्या होता है ये, कहीं ना कहीं एंटी इनकमेसी को खत्म करने का एक सबसे बड़ा कारण था। नंबर दो कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने, क्योंकि अब तक हरियाणा में जो राजनीति हुई है वो जाट जो है और जाट और गैर जाट के बीच की राजनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की है। ओबीसी में तो और भी एमएलए, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं सैनी को क्यों बनाया, सैनी क्योंकि देखो एमएलए भी नहीं थे, प्रधान थे कांग्रेस के, अपना हरियाणा में ओपी धनखड़ के से पहले वो प्रधान भी तो रहे हैं ना। आप ये बताइए ना जी, तो और भी ओबीसी नेता थे जी, तो उनको क्यों नहीं बनाया, नायब सैनी को क्यों बनाया, वो एमपी थे ये बताइए। कहीं ना कहीं वो मनोहरलाल खट्टर के करीबी भी थे ना। यही तो आप लाइन पर आ गए हो, यही तो जनता देखेगी प्रोग्राम क्या है। सुनिए जब किसान आंदोलन होया हाईकमान को पता था एंटी इनकमेसी बहुत ज्यादा खट्टर साहब के विरुद्ध, उन्होंने अंडर प्लानिंग खट्टर साहब को, ये प्लान पिछले सितंबर अक्टूबर से चल रही है लोकसभा चुनाव लड़ाने की, बीच में उनको वहां पर भेज दिया। और उसके बाद जो खट्टर साहब का उत्तराधिकारी, हाँ उनके बहुत सैनी साहब, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत क्लोज थे, करीबी रहे, किसी को बनाया नहीं। और विधायक दल की मीटिंग में क्या हुआ आपको पता है, किसी को पता नहीं था कि कौन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस समय अगर ऐसा हो सकता है तो इस समय क्यों नहीं हो सकता, आप ये बताइए। अच्छा और सुनिए, अगर मनोहरलाल खट्टर जी रैली में भी नहीं थे, लोकसभा में प्रचार में भी नहीं थे, एक ना जैसे जितने अभिमन्यु वध होना था ना, अर्जुन को दूर कर दिया था युद्ध से, लेकिन ये ना अर्जुन का रोल नहीं था भगवान कृष्ण ने, ये महाभारत की तरह चल रहा है। जब यहां पर युद्ध चल रहा था मनोहरलाल खट्टर का रथ दूर कर दिया, जब युद्ध खत्म हो गया तो बीच में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आप इसको आ सकते हैं, आप इसको हरियाणा की राजनीति के अर्जुन कहना चाहते हैं आप, कहने का मतलब अर्जुन है राजनीति के कहीं ना कहीं। तो जी मैं बताता हूँ, नो डाउट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि नायब उपयुक्त है और उनके कारण इलेक्शन हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे और शक्तियां काम कर रही थी, वो चेहरा थे। अब हाईकमान भी चाहता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, हाईकमान भी चाहता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हो जिसको एक्सपीरियंस हो, 5 साल सरकार चलाना एक्सपीरियंस पर्सन के पास होना चाहिए, और खट्टर साहब को 9.5 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी हो सकता, सुनिए वही कहानी फिर घूम फिर के आ जाएगी, खट्टर साहब यहां आ जाएंगे, एमएलए सीट खाली होगी, वहां से खट्टर साहब लड़ लेंगे, जो खट्टर साहब वाली एमएलए एमपी सीट खाली वहां पर नायब वहां पर अपनी पोजीशन में वहां पर जाकर फिर बैठ जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। क्योंकि इसका कारण ये है, फिर कह रहा हूं कि जो अमित शाह जी आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अमित शाह चाणक्य है, कहीं ना कहीं बड़े उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है जैसे राजस्थान में हुआ, आप हिस्ट्री देखिए ना जी, हिस्ट्री देखिए, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ जी, ये अपने क्या था छत्तीसगढ़ वहां हुआ, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता अभी। बिल्कुल ठीक है। अब कल की मीटिंग में आज फिर कह रहा हूं कि नायब सिंह सैनी आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही होगा, अगर हम सुनिए एक बात और बताता हूं, अगर नायब सिंह सैनी आगे होते यहां पर कुछ ना होता तो अमित शाह जी को आने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए ना। सही कह रहे हैं आप, इसका कुछ ना कुछ है,
डॉक्टर साहब आप बहुत अंदर की कौड़ी ढूंढ के लाते हैं, आप समंदर में गोता लगाते हैं और समंदर से एक बड़ा मोती लेकर आते हैं हमारे लिए। खैर दोस्तों जो भी होगा कल हरियाणा के दोस्तों ये कल विधायक दल की हरियाणा की मीटिंग होने वाली है, उसमें कल फैसला हो जाएगा कि कौन होगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री और 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत सारे 3-4 लोगों के नाम आपको बताए हैं, ये एक एनालाइज है, ये एक मतलब हम लोग यहाँ बैठ के एक मतलब अंदेशा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीजें हरियाणा की राजनीति में हो सकती है और ये परिस्थितियां भी पार्टी ने क्रिएट की हैं। जी अगर अमित शाह को प्रवेश कर मनाते शायद हम ना यहाँ पर बैठे होते। बिल्कुल ठीक है, ये परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं, उन्होंने पिक्चर दिखाई, हमने पिक्चरें जोड़ी हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में नायब सिंह सैनी नंबर वन पर है। फिर भी बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि हरियाणा की जनता कंफ्यूज ना हो, हम तो इसलिए कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जो है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात करें तो सबसे पहले हैं। सो और आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।